हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। मैंने ये शुरू कर लिया था बनाना, फिर सोचा आपको वीडियो दिखा देती हूँ। मैंने इसमें लिया है 1 कप आटा बाजरे का, और 1/4 कप मैंने 1/4 कप से कम मैंने गेहूं का आटा लिया है। नमक डाल दिया है, आधा चम्मच अजवाइन डाली है, और ये कटी हुई 1 कप मेथी है। 1 कप से थोड़ा सा कम है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम पानी से लगाएंगे, गुनगुने पानी से। ये है, हम तेज गरम पानी से लगा रहे हैं, खूब तेज गरम पानी से आटा। तो इससे क्या है, ये स्मूथ हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। और सर्दियां हैं तो ज़रूर खाइए इसको ना, बाजरे की रोटी बना के। तो मैं आपको, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए सॉफ्ट गूंद के आपको बताते हैं। ये देखिए, अब हम इसको ना 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे आटे को। ये लग गया है आटा। ये हमने ना बाजरे का ही आटा ले लिया है पलौथन के लिए, और क्योंकि इसमें गेहूं का आटा डाला है ना तो स्मूथली बेल जाएगी। ये देखिए, थोड़ा सूखा आटा लगा के ना हमने इसको बेल लिया है। तो अगर आप इसमें गेहूं का आटा लगाएंगे तो ये बेल जाएगी आसानी से। और ये देखिए, हमने इसको तवे पे डाल दिया है रोटी को। देखिए, थोड़ा गेहूं का आटा डाला है ना इसलिए आराम से बेल सकती है। तो जब आपको लगे ना कि ये मुश्किल है बनाना, वैसे तो मैंने आपको बाजरे के आटे से भी गर्म पानी को घूट के सिंपल बाजरे की बता रखी है, लेकिन अगर आपको ऐसे बेल के बनानी है ना, मेथी भी डली हुई है, तो बेशक रोटी ना फूले लेकिन आप इसको अच्छे से तवे पे सेकें तो अच्छी करारी क्रिस्पी बनेगी। मेथी कटी हुई डाली है ना तो फूलती नहीं है कभी कभी, तो कोई बात नहीं। अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए, कुछ भी चिपकी नहीं है, दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। दोनों तरफ से ना हमने इसको उलट पलट के सेक लिया। देखिए, ऐसे निशान आ जाते हैं, है ना, इधर से भी। तो अच्छे से और 1-2 मिनट करके हम इसको नीचे सेकते हैं। तब तक डालते हैं दूसरी रोटी। ये देखिए, अब हम इसको नीचे सेकेंगे, दूसरी रोटी डालते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से जो है रोटी बहुत अच्छे से सिक रही है, और ये अंदर तक सिक जाए, कच्ची ना रहे, ऐसा हमें करना है, ठीक है ना। देखिए, सिक गई है। अब हम इसको रखते हैं प्लेट में और बटर के साथ सर्व करेंगे। ऐसे ही मैं आपको दूसरी रोटी करके दिखाऊंगी, बना के दिखाऊंगी। थोड़ी सी गोल ना बने, टेढ़ी मेढ़ी बने, कोई बात नहीं। ये देखिए, एक तरफ से सिक गई है, लेकिन खाने में लाजवाब होगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल होगी, फूलेगी, आप कटोरी से काट लेंगे तभी रोटी बहुत टेस्टी बनेगी, नहीं। आप इसको नेचुरल रहने दीजिए, मेथी के साथ खाइए। ये देखिए, दोनों तरफ से रोटी अच्छे से सिक गई है। ऐसे सिक जाती है ना तो फिर कच्ची नहीं दिखती है ना। अब हम धीमी गैस पर इसको सेकेंगे चारों तरफ से। देखिए, अगर यहां से थोड़ा हरा हरा लग रहा है तो आपको यहां धीमी आंच पे बहुत देर तक रखना है ना। बस ये आपको देखना है कि चारों तरफ से सिक जाए रोटी, ठीक है ना। तो सेक कर मिलते हैं। अब ये देखिए, बाजरे की रोटी, सफ़ेद मक्खन, गोभी गाजर मूली का अचार, हरी चटनी, गुड़ के साथ, इसके सामने ना कोई भी ब्रेकफास्ट कुछ भी फेल है। तो देसी खाइए, स्वस्थ रहिए, और विंटर में ये ज़रूर अपनी उसमें खाने में, मील में ऐड कीजिए। और ये देखिए, जब आप ऐसे बटर घुमाएंगे ना और फिर ये बटर वाली रोटी खाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।